तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ा राजनीतिक इतिहास हमारे लिए अमर हो गया है। कौन भूल सकता है 17 अप्रैल 1999 का दिन, क्योंकि इसी दिन 13 माह से केंद्र में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। मार्च 1999 में एक चाय पार्टी में सोनिया और जयललिता की मुलाकात हुई और वो वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए राजी हो गई। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। एनडीए से अचानक समर्थन लेने के पीछे विश्लेषकों का मानना है कि तब जयललिता तत्कालीन डीएमके सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर समर्थन वापस लेने की धमकी दे रही थी। बीजेपी ने भी जयललिता पर आरोप लगाया कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बच सके। दोनों पार्टियों के बीच इस मनमुटाव का नतीजा ये हुआ कि जयललिता ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और संसद में अटल सरकार सिर्फ एक वोट से विश्वास मत हार गई। हालांकि इसके बाद हुए मध्यावधि चुनाव में जयललिता को इसका नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस घटना ने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया था।